हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में आपको हफ्ते में एक बार कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे कि बच्चे को पूरे हफ्ते का पोषण एक दिन में ही मिल जाता है। मतलब कि जो भी आप अपनी डाइट में ले रही हैं वो लेते रहिए, लेकिन इन चीजों को जरूर आप एक हफ्ते में खाइएगा। तो फ्रेंड, वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रेगनेंसी में पोषक तत्वों का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिससे कि बच्चे को ना तो किसी भी तरीके के विकास में कोई भी दिक्कत ना आए और कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन भी ना आए। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको एक बार हफ्ते में जरूर खानी चाहिए जिससे कि क्या होता है कि आपको पूरे हफ्ते का प्रोटीन, मिनरल्स और कैल्शियम मिल जाता है। सबसे पहली वो चीज है फ्रेंड्स, उबले हुए अंडे। अगर आपको अंडा डेली खाना पसंद नहीं है तो एक बार आप हफ्ते में अंडे का सेवन जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको अंडे से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है और साथ में कैल्शियम भी मिल जाता है। तो ये बच्चे के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बच्चे के विकास में सहायक होता है और आपकी भी प्रेगनेंसी हेल्दी रखता है। इसीलिए आप हफ्ते भर में एक दिन अंडे का सेवन जरूर करें। जैसे कि हफ्ते में एक दिन आप 2 से 3 अंडे जरूर खाइएगा। दूसरी चीज है फ्रेंड, चिकन। चिकन क्या होता है कि चिकन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो जैसे कि प्रेगनेंसी में प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपके बच्चे के लिए, आप हफ्ते में एक बार प्रोटीन के लिए चिकन का सेवन जरूर कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको अच्छे से पका हुआ चिकन ही आपको खाना है, किसी भी तरीके से कच्चा नहीं रहना चाहिए। जो रोस्टेड वाला होता है वो आपको नहीं खाना चाहिए, अच्छे से पका हुआ चिकन ही आपको खाना चाहिए। घर का बना हुआ ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एक हफ्ते में सोयाबीन का सेवन जरूर कीजिएगा। सोयाबीन से आपकी प्रोटीन की मात्रा पूरी होती है। तीसरी चीज होती है फ्रेंड, ड्राई फ्रूट्स। हफ्ते में एक दिन आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी जरूर करना चाहिए। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, साथ में आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसीलिए हफ्ते में एक बार आप ड्राई फ्रूट्स जरूर खाइएगा। ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपको पसंद है आप वो खा सकते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर पानी में आप खाइएगा 8 महीने तक, उसके बाद 9वें महीने में आप ऐसे ही आप बिना भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज होती है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि जो भी हरी सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है और लौकी है, शिमला मिर्च है, ये सारी हरी सब्जियां होती हैं, तो इनको आपको एक हफ्ते में जरूर खाना चाहिए। तो आप हफ्ते में एक बार जैसे कि पालक जरूर खाइएगा, शिमला मिर्च जरूर खाइएगा, जितनी भी हरी सब्जियां जो भी आपको पसंद हो वो आप खाइएगा। जैसे पालक है तो पालक आपको ऐसे अच्छी नहीं लगती है तो आप पालक पनीर बना के खाइए, मतलब पालक की कोई भी डिश होनी चाहिए। जैसे ये थी कुछ ऐसी चीजें जो एक हफ्ते में आपको अपने एक दिन में इनको जरूर शामिल करना चाहिए जिससे कि पूरे हफ्ते भर के पोषक तत्व आपके बच्चे को मिल जाते हैं। आई होप आप इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।